तो हमारे दो खास मेहमान हैं मंच पर, जिनको आप देख पा रहे हैं। सुखबीर कटारिया जी, पूर्व मंत्री, बहुत सुलझे हुए नेता, सुलझे हुए इंसान हैं, और जवाहर यादव जी किसी परिचय का मोहताज नहीं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, सीएम साहब के बहुत करीबी और खास माने जाते हैं। शुरुआत जवाहर यादव जी आपसे ही हो जाए। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम से हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। पहचान की बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, विश्व पटल पर एक पहचान के, लेकिन क्या सरकार से, आप लोगों से गुरुग्राम को भी कुछ मिला है, काम हुआ? देखिए, अंतर है। निश्चित रूप से हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। तो गुरुग्राम को लेके, कुलदीप जी सर ध्यान दो, आप हमारे नेता हो, और अभी कुलदीप भाई मंच पे बैठे थे, सुखबीर जी पूर्व में मंत्री रहे। हर सरकार की एक सोच होती है। हुड्डा साहब के समय में भी गुरुग्राम का विकास हुआ, पर उन्होंने वो विकास सरकार ने नहीं किया, उन्होंने बिल्डरों के ऊपर छोड़ दिया कि जो करना है ऊंचाई में करना है, आकाश को छूने का प्रयास करना है, और जो विकास बढ़ा वो कंक्रीट का विकास बढ़ा, और वो बिल्डरों ने बढ़ाया और आकाश की तरह बढ़ाया। हमने विकास क्या किया, हमने विकास धरातल पे किया। तो हमने एम्बियंस मॉल के पीछे साथ में यू टर्न बना दिया, हमने इफको चौक बना दिया, हमने राजीव चौक बना दिया, हमने हीरोंडा चौक बना दिया। मेरे भाई जहां से पहले विधायक रहे हैं, जल्दी ही कटारिया चौक का और अपना अगला जो चौक है महावीर चौक, उसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है। फिर जब मैं गुरुग्राम में आया था 2001 से सुन रहा था कि कभी भी बजघेड़ा पर पुल बनेगा, सुनते रहा। उसमें मैंने चौटाला साहब की स्टेटमेंट भी सुनी, हुड्डा साहब की स्टेटमेंट भी सुनी, पर हमारी पिछली सरकार में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राव नरवीर जी मंत्री होते थे, वो बजघेड़ा का पुल बन गया, साथ में अंडरपास बन गया, बसाई का पुल जल्दी तैयार होने वाला है। ऐसे ही हीरोंडा चौक से सेक्टर 10 की तरफ जाएंगे, वहां से पटोदी रोड पर जाएंगे, वो नेशनल हाईवे के माध्यम से उसको रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है। तो हमारा जो विकास हुआ वो वास्तव में धरातल का विकास हुआ, जो सरकार ने किया। और देखिए, एक मुख्यमंत्री की समझ क्या होती है, इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी की एक रैली थी सोहना रोड पर, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना सरकार प्रदेश हितैषी मुख्यमंत्री मैंने पहले हरियाणा का देखा। आज तक जब भाई की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार, मैं कहूंगा हुड्डा साहब की सरकार में यह था कि जितने भी हमारे अंडर पास बने, उस समय नियम यह था कि स्टेट देता था 75% और केंद्र देता था 25%। मुख्यमंत्री जी ने उसको उल्टा करा लिया कि जो ऐसी एनएचआई के माध्यम से योजनाएं आएंगी, एनएचआई देगा 75% और हम देंगे उसका 25%। तो भूरे मंच से नितिन गडकरी जी ने उसकी की थी। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि ये रोडों से संबंधित विकास हो गया। हमने बिजली में भी किया, 800 करोड़ रुपए लगाकर एचटी लाइन जो हमारी होती है, एलटी और एचटी, एचटी लाइन लगभग लगभग 90% अंडरग्राउंड हो चुकी है, जिससे बारिश में आंधी में जो यकायक बिजली जाने की ज्यादा समस्या रहती है, वो समस्या कम हुई है। मैं नहीं कहता वो 100% खत्म हो गई, क्योंकि अभी एलटी की लाइन बाहर है, तो उसके कारण समस्या कम हुई है। बात आ रही थी कि पूछा गया, मेरे भाई ने एक प्रश्न पूछा पर्यावरण को लेकर, जिसमें उस समय पर्यावरण के जो संरक्षण बैठे थे कि हमने पर्यावरण को लेकर क्या किया। उन्होंने 10,000 एकड़ का बताया गुरुग्राम का, नूह का, परंतु जो मांगर है, मांगर का एरिया हमने बढ़ाया, क्षेत्रफल बढ़ाया कि उसको हमने जोन में रहा। और अरावली का जब जिक्र हुआ तो उस हमारे वर्तमान विधायक के चेहरे पे एक हंसी की लहर आई थी, क्योंकि अरावली को जो पीएलपी एक्ट है उसके तहत हमने अरावली को संरक्षित किया, परंतु हमने ये कहा कि इसमें जो किसान है, अरावली का जो पीएलपी एक्ट कहता है, जो पंजाब का एक्ट है 1900 का, उसमें यह था कि अरावली में जिसपे शोर मचा कि हमने नुकसान पहुंचाया, उसमें जो किसान था जी, अगर किसान ट्रैक्टर चलाएगा तो भी पीएलपीए का उल्लंघन था। सेक्टर 56-57 इस तरफ जो रह रहे हैं वो सबके घर गिरने थे। हुड्डा साहब के समय के भी बने हुए इंस्टीट्यूट, चाहे वो भोंडसी का इंस्टीट्यूट हो, चाहे सोनीपत का इंस्टीट्यूट हो, वो सब भी उस पीएलपीए के तहत टूटने थे जी। तो हम किसान खेती कर सके, जो पुराने संस्थान बने हुए हैं, चाहे वो, और जो लीगली बने हुए हैं, जो इलीगल नहीं है, भोंडसी लीगल बना है, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी की हुई होगी हुड्डा साहब की सरकार में, उन सबको बचाते हुए अरावली को हमने संरक्षित किया है। कितने फार्म हाउस जो वहां गलत तरीके से बने हैं वो हमने किए हैं। ऐसे ही चलो आगे, आप डिबेट बनाना चाहते हैं हम आगे कर लेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपकी काफी विस्तृत हो गई है। कटारिया साहब, हुड्डा सरकार का जिक्र किया अभी जवाहर यादव जी ने, आप भी मंत्री रहे,
अब पहली बात तो आपसे ये पूछनी है कि जो बात कही थी बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या गुरुग्राम के अच्छे दिन आए, वो भी तब जबकि डबल इंजन की सरकार के यानी केंद्र की सरकार भी के। और दूसरा जो एलिगेशन अभी लगाए कि हुड्डा साहब की सरकार में जो काम हुआ वो सरकार ने नहीं किया, बिल्डर्स को मनमानी करने के जो है पूरी तरह से हक दे दिए गए और जनता का शोषण हुआ, साथ ही अभी जो दावा किया गया कि बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर बहुत काम हो चुका है, क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? पहले से मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा टीवी का जो इतना अच्छा कॉन्क्लेव आपने किया, और निश्चित रूप से जवाहर भाई, उससे पहले भी हमारे काफ़ी सब लोगों ने बड़े खुले दिल से बात करी। निश्चित रूप से जिस हिसाब से जवाहर जी बता रहे थे, नेचुरल बात है भाई, पार्टी के हैं और पार्टी की हमेशा खूबियाँ बतानी चाहिए, लेकिन जैसे डेवलपमेंट का, क्योंकि मैं गुड़गांव पर ही रहूँगा जी, मैं गुड़गांव का जो डेवलपमेंट रहा, जैसे इफको चौक से ले लो आप, थोड़ी बारिश होती है सुखराड़ी से निकलते वो नीचे चला गया, फिर आप आगे हिरोंडा चौक पे देख लो, अब भी जाम था, पहले भी जाम था, उसके अभी वन लेन कर रहे हैं, कभी वो हो रहा है वो, फिर आप बसे ही जो फ्लाईओवर बता रहे थे वो फ्लाईओवर भी कभी 2 महीने के लिए बंद हो जाता है कभी, तो निश्चित रूप से आप देखो, आप फिर रोड पे आ जाओ आप जी, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब हैं ओल्ड डीएलएफ में राव इंद्र सिंह जी, और अभी करंट में मिनिस्टर हैं राव इंद्र जी जी, उनके भाई भी वहाँ रहते हैं, वहाँ बुरी हालत है, बहुत खड्डे पड़े हैं, फिर आप राव धर्मपाल जी के एरिया में देख लो, वो भी ऐसी हालत है, गाबा साहब हमारे मिनिस्टर थे, उसके घर के आगे निकल के नहीं जा पाते रोड का, आप मास्टर सी और देख लो आप, टोटली चौक है हमारे यहाँ गुड़गांव, उसके बाद आप ट्रैफिक सिस्टम देख लो हमारे गुड़गांव में, अब जो हम 15 या 17 मिनट में हम धोला कुआं पहुंच जाते थे ओल्ड गुड़गांव से, आज हम इफको चौक पे नहीं आ पा रहे 25 मिनट में, तो ठीक है मैं मानता हूं भाई ये कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश बहुत साल हो गए जी, बेसिक एम्यूनिटी चाहिए हमारे, गुड़गांव को नहीं चाह रहा मैं, आज एक स्मार्ट ऐसा तो नहीं कि गुरुग्राम को आप लोग बहुत अच्छा छोड़कर गए थे जिसमें ट्रैफिक की, पोल्यूशन की कोई दिक्कत थी नहीं, जल भराव की, और बीजेपी ने आकर कर दी। अब देखो नहीं, मैं बात बीजेपी की, कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सरकार गुड़गांव वाले सिर्फ चाहते हैं अमन चैन रहे, रूटीन में जो बेचारा अपनी नौकरी पे जा रहा है वो टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट में जब बंदा जाता है तो वहां जाते है उसको ना, जब पंच करता है और वो लेट हो गया उसके पैसे कट जाएंगे, फायदा क्या हुआ उसका, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई नेशनल लेवल की बातें करें ना जी, कोई बात नहीं, यहाँ मेट्रो है 2010 के अंदर, जहां पिलर खड़ा है एज इट इज खड़ा है, आगे कोई नहीं सर का पिलर, कोई आगे चला जाता तो भी, तो आईपोर्ट टैक्सी की बात हुई हम ये लेके आएंगे, कोई नहीं हो पा रही है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो सब सब काम को, कम से कम यहाँ हमारे गुड़गांव की धूल मिट्टी खत्म हो जाए, वो भी नहीं, गड्ढे खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार तो एक प्रोसेस है, मिले ठीक है मिल जाए, नहीं कम से कम ये है भाई ये बेसिक एम्यूनिटी हमारे को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, मैं उपलब्धि मान, हमारा हॉस्पिटल है पिछले 7-8 साल से, जो एक शहर का आम आदमी बेचारे उत्तरांचल पूर्वांचल यूपी बिहार हमारे लोकल आदमी वहां जाके इलाज करवा सकते थे, आज वो हॉस्पिटल भी उसका कोई भी अभी काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा, वो स्टार्ट होना चाहिए टाइम पे, बहुत जरूरी है। आपके चश्मे से देखें तो गुरुग्राम ने बहुत काम कर लिया है, बहुत सारी सड़कों का आपने जिक्र किया, चौक का आपने जिक्र किया, और कटारिया साहब कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं, चलिए विकास आप छोड़िए, जो बेसिक्स हो सकते थे वो भी नहीं किए गए, गुरुग्राम को पीछे लेकर गई सरकार। देखिए एक तो मैं अभी कोई केंद्र को लेकर अभी तक अपने किसी व्यक्ति में लेके नहीं आया, सोच कैसे पता चलती है, मेरे बड़े भाई ने बताया कि जहां राव इंदर जी रहते हैं, जहां गाबा जी रहते हैं, जहां राव धर्मपाल जी रहते हैं, इनके लिए विकास का मायने वो ही है, क्योंकि ये इनसे बाहर निकलते ही नहीं, इनको किसी सामान्य व्यक्ति, किसी मजदूर की इनकी कभी चिंता होती नहीं है, और ये नहीं, इनके ये भी तो हो सकते हैं ना कि वहां नहीं हुआ तो आम पब्लिक के लिए क्या हुआ होगा, यही मानसिकता बदलनी है, सरकार यही मानसिकता बदलनी है, मीडिया को भी जानबूझकर नहीं करवाया, मीडिया को भी ये मानसिकता बदलनी चाहिए कि नेता के यहाँ विकास होगा तो विकास होगा, कब तक आप इन लोगों को, नेताओं को छोड़कर विकास करेंगे, नेताओं के घर के बाहर विकास नहीं होगा, आम पब्लिक के बाहर होगा, मीडिया की मानसिकता बदले, अभी तो मैं सोच की बात कर रहा हूँ, 80% आदमी निकलता है, मैं कहता हूँ मैं आऊंगा इस पर कि वहां हुआ या नहीं हुआ, परंतु मैं सोच बताता हूं कि जो सरकार 1971 में लोग नारे लगाकर आए थे कि कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, आज तक वो मानसिकता कांग्रेस के लोगों में दिमाग में घुसी हुई है कि गरीबों के लिए नहीं करना, नेताओं के लिए करना है। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा
कि समय ज्यादा लगता है, तो इफको चौक का पुल गिरा देना चाहिए, एम्बियंस मॉल का अंडरपास खत्म करने दा चाहिए, हिरोंडा चौक का पुल गिरा देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण समय ज्यादा लगने लग गया। यही हुआ मैं तो जो समझ पा रहा हूं। अगर इनके कारण समय ज्यादा लग रहा है तो मुझे लगता है अभी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये प्रस्ताव लाना चाहिए विधानसभा में कि जितने पुल बने हैं, जितने अंडरपास बने हैं, उनसे समय ज्यादा लगता है, उनको गिराना चाहिए। दूसरा मेरे मित्र ने कहा पानी की बात कि यहां यहां पानी भरता है। सर वो पानी क्या मैंने लेके दिया? पानी भरता था, एक समस्या हमारे पास आई, मेरे भाई साहब वहां से विधायक रहे हैं, खानसा गांव, चलिए बादशाहपुर में आता होगा, परंतु जो वो जिसको मीडिया ने महाजाम कहा, जिसमें पानी आ गया था, हमने जो इलीगल कब्जे थे वहां के हटाकर उन लोगों को दूसरी जगह प्लॉट देकर सेक्टर 110 की तरफ, और उसके चैनल को बड़ा किया गया है जिससे पीछे से पानी आए, और वो जिसको हम नजफगढ़ डैम कहते हैं, बादशाहपुर डैम से जो पानी आता है, वैसे और एक सेकंड और लैग वन, क्योंकि गुड़गांव की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पानी के जाने के लिए लैग वन और लैग टू की बड़ी इंपोर्टेंस है, जो कि नजफगढ़ नाले में जाके मिलती है, हमने उनकी मरम्मत की है, कहीं अंडरग्राउंड करना चाहिए उसको, अंडरग्राउंड किया है, और फिर भी मैं कहता हूँ अपने भाई को मानते हुए वो ये काम बताएं गुड़गांव में ये काम होना चाहिए। और मेरा एक निवेदन है इनसे नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस ही नहीं है, इन्होंने लंबे समय कांग्रेस के विरोध की ही राजनीति की है, राजनीति में कई बार हम चले जाते हैं, वो एक अपने कारण हो सकते हैं, तो उनके अपने राजनीतिक कारण होंगे, वो कोई भी जा सकता है, इन्होंने तो आज तक कांग्रेस के विरोध की ही राजनीति की है। तो मेरा भाई के माध्यम से मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, और अभी इनके नए अध्यक्ष बने उदय भान जी, गुड़गांव में हमने 4 पार्किंग बनानी थी, मल्टी लेवल पार्किंग, एक पे हमारा काम चल रहा अभी है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड में इसको पूरा करूं ना, एक पे हमारा काम चल रहा है, वो लोगों को दिखने लगी है, दूसरे में कोर्ट का काम है, और तीसरी जो कमान सराय में बन नहीं पा रही है, इसलिए नहीं बन पा रही है कि उस जमीन पे कांग्रेस ने इलीगल कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे। गुड़गांव के लोग कह रहे हैं हमें सुविधाएं दो, हमें पार्किंग चाहिए, ये कहते हैं नहीं जी सरकारी जमीन पे तो हमने कब्जा कर रखा है, हम खाली नहीं करते, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, इसमें भाई का कोई दोष नहीं है, मैं तो हुड्डा साहब को और उदय भान जी को कह रहा हूं। जवाब तो यही देंगे ना, अभी आप सीधा हुड्डा साहब पर अटैक करते हैं, कटारिया साहब जवाब देंगे ना, मेरा तो इनसे प्यार है, मैं इनसे जवाब तो लूंगी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने उस बात से इनकार नहीं किया कि राव इंद्रजीत साहब के घर के बाहर क्या स्थिति है, राव धर्मपाल, आपने तो कह दिया कि ये तो वीआईपी का विकास करना या नेताओं का विकास करना इनकी मानसिकता थी, आपने स्वीकार कर लिया क्या? मैं इस पे आ जाता हूँ, इनका कहना है कि शायद राव इंद्रजीत जी का घर ओल्ड डीएलएफ में सेक्टर 14 में है, उसका कर लेंगे, राव धर्मपाल जी जिस रोड पे रहते हैं क्या उसमें कोई अड़चन है? सारे लोग बैठे हैं, मुख्य रोड है, राजीव चौक से आता है और सीधा रेलवे स्टेशन की जाता है, मुझे तो कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ऐसे ही गाबा साहब का बताया, निश्चित रूप से गाबा साहब का रोड भी, क्योंकि हमारी जिला अध्यक्ष वहां आती है, मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर मेरे भाई को लगता है कि इनके बुजुर्ग सम्मानित विधायक को सम्मान देना चाहिए, अगर उनकी रोड खराब होगी, मैं ओनर बोल रहा हूं, मैं उसको कराकर दूंगा, उसका टेंडर पास कराएंगे और जल्दी से जल्दी इस रोड को बना देंगे, क्योंकि भाई साहब का दिल वहां बसता है, तो इनके सम्मान में करना चाहता हूं। जी कटारिया साहब, आप देखिए काउंटर भी कीजिएगा, दूसरा जो पार्किंग को लेकर आरोप है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है और खुलेआम कर रखा है, उसमें कोई छुपा छुपी नहीं, आरोप ना कोई वहां कब्जा है, सिर्फ है ना पार्टी का, मैं जब से मेरे ख्याल में हमने होश संभाला, हम तो तकरीबन यही देखते हैं भाई, कांग्रेस पार्टी कमान सराय में मेन ऑफिस है, इनको लगता है भाई वो गलत जगह है, एनक्रोचमेंट है, कोई दबाव उठा दे, इनको सरकार को रोक सकता है? सरकार को तो कोई रोक रही, आप सोनाडा चौक पे देखो, एक पार्किंग की जगह थी वहां आज तक भी पूरी नहीं हो पा रही इनको, मैं कह रहा हूँ हमारा तो ऑफिस जो है कांग्रेस का मुश्किल से 300-400 गज में है, और बाकी तो कई एकड़ जगह पड़ी, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही रोक रखा है। ना ना ना, हमने कोई स्टे ले रखा, हमने कोई स्टे नहीं, आपके तो सामने ही कहा ज्योति जी, हमने ना कोई स्टे नहीं ले रखा, हमने एक सिंपल सीएम साहब को एप्लीकेशन भेजी थी जी, हमारे को यहाँ से आप उठाओगे ना कहीं प्रॉपर सी जगह दे दो, उसके हम पैसे दे देंगे आपको रीजनेबल सा, हमारा भी ऑफिस चलता रहे, नेचुरल बात है, प्रजातंत्र में पार्किंग बन जाए, हम क्या क्या दिक्कत जवाब चाहते हैं, मैं जवाहर जी से कह रहा हूँ, इनके घर भी मैं अभी, अभी अभी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं भाई का सम्मान करते हुए ऑफिस के कर्म, हमने विज्ञापन निकाला गुरुग्राम के लिए, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है और जो भी प्रदेश की मान्यता प्राप्त पार्टी है सब अपना, इनके समय में पैसे कम लगते थे, हमने वो पैसे डबल किए राजनीतिक पार्टी के लिए, कि हमें कोई रिबेट नहीं, राजनीतिक पार्टियों के लिए अगर इन्होंने मांगा हो प्लॉट
पैसे भरकर लेने के लिए हमने मना किया तो बताओ, एक अपनी से कंसर्न दिखा दो कि इन्होंने उसके लिए कहीं हमें ये कहा हो रिकॉर्ड पे। और दूसरा, मेरे भाई तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम रोहिंगा आके बस गए, जो मुझी कह रहे थे, अब बस गए तो यहां से हटाओगे तो हमें सरकारी जमीन दो। अरे सर, आप एक आदर्श हो, आप कहते हो हमने क्लेम करते हो कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो सरकारी संसाधनों की लूट करके ही आजादी की लड़ाई लड़ेगी? और जिसमें मेरे मित्र ने कहा, कुलदीप जी ने जवाब दिया, हम अपने नेताओं के लिए सड़कों पे जाएंगे। आप रोहिंग्याओं से तुलना कर रहे हैं क्या? एक लाइन में बताता हूँ, नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी 3000 करोड़ की, और 3000 करोड़ के जिसके पास एसेट है, और मेरे जैसे व्यक्ति कहता है कि इस कंपनी पे 90 करोड़ का कर्जा है, तो 90 करोड़ में मैं 3000 करोड़ के सारे एसेट खरीद लेता हूं। हम तो उस लूट के प्रति गए थे जो गए थे। तो जो मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं अपने मित्र को, अगर कांग्रेस के उदय भांजी अप्लाई करेंगे कि हमें गुड़गांव में प्लॉट चाहिए, 100% प्लॉट मिलेगा, ये हम कह रहे हैं, हमने कहा हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी पैसे देके प्लॉट ले सकती है, बीजेपी ने भी लिया। जवाब, उसमें तो किसी का कोई एहसान ही नहीं। हम तो, हमारी जो जमीन है, हमारा जो 400 गज जमीन है वो दे दो। आपका पेपर है, दिखा दीजिए। कोई एक दस्तावेज जो ये कहता है कि वो कांग्रेस की जमीन है, कोई एक दस्तावेज दे दीजिए, आपको प्लॉट दे देंगे। मैं कह रहा हूँ, आदमी जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी 40 साल से कम नहीं है। सर वो तो राम मंदिर पे भी कब्जा कर रखा था, सालों से खाली कराया ना हमने। राम मंदिर पे भी जो अवैध बैठे थे बाहर, अवैध तो मतलब अवैध है, गवर्नमेंट के सामने को कब्जा कर नहीं सकता। और मतलब दूसरा मेरे मित्र ने कहा कि इन्होंने मुख्यमंत्री को कंप्लेन, वो एप्लीकेशन दे रखे, गलत तथ्य है। जानकारी के बोलता ही नहीं। इन्होंने यहाँ आने से पहले मुझे पता था, मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो मैंने इसको पर्टिकुलर चेक किया, रिसर्च किया। इन्होंने डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट में ये कह रखा है कि जी ये हमारा अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा हम तब खाली करेंगे जब सरकार हमें जमीन देगी, हम इतने सालों से बैठे हैं। साहब, अवैध कब्जा तो अवैध कब्जा होता है। अब इसको अगर ये मान्यता देते हैं तो कुछ सालों से लिए मुझे भी बता दो, मैं सरकारी जमीनों पे बैठ देता हूँ और मुझे भी जमीन दिला देना। ऐसे कांग्रेस से ही है सर, कांग्रेस से आचरण। बहुत जल्दी से जवाब लेके अगले विषय पर बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपका जवाब। देखो, हमने सिंपल MCG से नोटिस आया, हमने सिंपल जवाब दे दिया, ऐसे इतने साल से बैठे, ये बिजली के बिल हमारे ही हैं, और हमारे को कोई ऑल्टरनेट जगह कहीं पे दे दो गुड़गांव शहर के अंदर। सर, हम दे रहे हैं, अप्रोचेबल सेक्टर में देना चाहते हैं ना, तो हमने कोई केस डाल रखा है। आप लोगों को खरीदनी होगी ना, वो तो ऐसे नहीं है कि सेक्टर में देना चाहते हैं। एप्लीकेशन लगाओ ना हर राजनीतिक पार्टी को। हमने तो MCG लगाई है, जवाहर जी, हमने MCG का लगाई है। इनसे मैं सहमत हूँ। देखो, कुलदीप भाई ने ठीक कहा, जब 3000 करोड़ के एसेट जो कांग्रेस पार्टी के थे, और वो 97 करोड़ में अगर वो राहुल गांधी का परिवार उस पर कब्जा कर लेगा तो एसेट कहां से आएंगे भाई? आपने तो 3000 की संपत्ति 90 करोड़ में दे दी अपने राहुल गांधी को। अभी तो ये पार्किंग को लेकर जवाहर जी, वो बड़े लोगों की बात है, हम बड़े वाली बात जा नहीं रहे। मैं तो गुड़गांव की बात में रहना चाहता हूं। चलो, गुड़गांव में भी हम तो रोड, सीवर, पानी की बात करता हूं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। सर, मैं तो, मेरे को मतलब नहीं जी बड़े लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने ना तो अपन, हम तो सिर्फ बेसिक चीजें, बेसिक एनमिटी हमारे को। कटारे साहब, आप टाइम पे जो हाउस टैक्स वगैरह बेचारे, आप भी बड़े आदमी हैं, आप भी बड़े आदमी हैं, आप ये बताएं कि जो जलभराव को लेकर परेशानी है, क्या ये नहीं है जो गुरुग्राम का विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिक्र होता है, गुड़गांव बस है तब से दिक्कत आ रही है। मैं मना नहीं कर रहा कोई भाई जादू छड़िए किसी पार्टी का कर दे, लेकिन बेसिक चीजें ना, आदमी मास्टर प्लान बनाए जाए। हमने भी उस टाइम पे मास्टर प्लान बनाए थे, लेकिन जैसे ग्रोथ हो रही है गुड़गांव की, यहाँ बिलीव नहीं करो ज्योति जी, यहाँ 10,000 आदमी पिछले 8-10 साल से डेली माइग्रेट कर रहा है, 7,000 वापिस चला गया। तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है गुड़गांव के अंदर, ना कोई माइका लाल कर सकता है कैलकुलेशन, अब भाई कितने आदमी जा रहे कितने आ रहे। तो यहाँ आपको बड़े हिसाब से, बड़े स्टाइल से करके, जब आप बेसिक एमिनिटी के लिए करेंगे, रोड की, सीवर की, पानी की, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बेसिक एमिनिटी हमारे को बहुत जरूरी। आज ऑक्यूपेंसी हमारे जितने भी यहाँ फ्लैट्स वगैरह, मुश्किल से यहाँ 30% भरे हैं अभी तक, मुश्किल से। जब 100% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी तो आप देखना, यहाँ ना लोग बाग तोबा करके भाग जाएंगे, चाहे कोई बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे
वो कोई पार्टी आ जाए, लोग बाग यहाँ देखेंगे नहीं, क्योंकि आदमी आप साफ सी बात ये कह रहे हैं कि मास्टर प्लान नहीं है, है ना, डायरेक्शन एक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मास्टर प्लान ही नहीं कह रहा जी, मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज है। हमारा सोना एक तरफ गुड़गांव बढ़ रहा है जी, आज जब तक है ना, आप देखो विदेशों के अंदर क्या होता है, डाउन टाउन रहता है, डाउन टाउन में सिर्फ ऑफिस होते हैं, वहां पर रेजिडेंशियल नहीं होता। इसी तरह हमारे को शहर है ना बसाना पड़ेगा पटौदी साइड पे, आगे सोना से आगे, और उसके बाद फिर यहाँ लोग काम करने यहाँ आए, आप इतना काम करने यहाँ आए, ऑफिस ही यहाँ। जवाहर यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप इतना कहेंगे कि हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन इन लोगों को करना चाहिए। अब आपको सुझाव है विपक्ष को, कोई भी करे कोई पार्टी, लेकिन जब तक डाउन टाउन पे आप आओ अपना काम धंधा करो और वापिस चले जाओ। उनको चाहिए बेसिक भाई, उनको अपनी बसेस चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लोग बाग वहाँ जा सके। लोग बाग आप विदेशों में देखो, आप लोग बाग 100-200 किलोमीटर आते हैं जाते। जवाब ले लीजिए अभी। उत्तर एक तो हमसे डिबेट में पहले बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी बैठे थे, उनको थोड़ा सा ठीक करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने यहाँ सेक्टर बसाए और हुड्डा के नए सेक्टर बसाए। हुड्डा साहब ने हुड्डा का एक सेक्टर नहीं बसाया, 1 से लेके 58 तक, और उसके बाद मेरी पुष्टि मेरे भाई कर देंगे, जो बने 2005 से पहले बने, और 58 तक तो हुड्डा जिसको अब HSVP कहते हैं वो खुद बसाता था। और जब हमारे हुड्डा साहब आ गए जिनको मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा ये क्या है, सब बिल्डरों को सौंप दो। क्यों? क्योंकि वहां सेक्शन 4-6 का जो पहले जिक्र हुआ डिबेट में, सेक्टर 4-6 जो सेक्शन 4-6 का नोटिस का जो घपला होगा वो होगा 58 के बाद कोई एक सेक्टर अगर हुड्डा HSVP ने बनाया हो, उसकी कोई किया हो, एक प्लॉट मुझे हो बता दीजिएगा नंबर एक। नहीं सर आपको तो मैं कुछ नहीं, आप ठीक थे मैं, सर हाँ उसके। अब दूसरा, अब और मैं अब उस पर डेवलपमेंट पे लौटता हूँ जो उसकी बात है। मेरे भाई ने पोर्ट टैक्सी का जिक्र किया, पोर्ट टैक्सी पहली बार शब्द मैंने पढ़ा था 2008 में, हुड्डा साहब की सरकार में 2008 में पहले मैंने पोर्ट टैक्सी शब्द पढ़ा। 2012-13 में डिक्लेयर किया। हाँ नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो उसके याद है, 12-13 आपकी सरकार थी। अब मेरे बतने भाई साहब ने कहा कि बसें होनी चाहिए। सर हमसे पहले गुरुगमन की जो बसें हैं, इससे पहले गुड़गांव के इंटरनल लोगों के लिए क्या कभी कोई बसें चली थी? आज रेलवे स्टेशन का व्यक्ति, इवन पालम विहार का व्यक्ति, इवन गांव का व्यक्ति, सोना का व्यक्ति और अंदर गांव की बसें सीधा आती है। पहले ये बसें हमने चलाई, हमें बड़ा घाटा हो रहा था, आज भी घाटा हो रहा होगा, परंतु आज अगर सुखबीर कटारिया जी ने गुरुगमन की बसें ना देखी हो, उसकी क्वालिटी ना देखी हो, तो मुझे बता देंगे। हम धीरे धीरे बहुत चीजें ठीक करने लग रहे हैं। और मेरे मित्र ने कहा कि गुड़गांव ऐसा होने जा रहा है कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कि लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने 50% ठीक बोला और 50% गलत बोला। कांग्रेस की सरकार में रहना पसंद नहीं करेंगे, भाजपा में वो 100% रहना पसंद करेंगे। हम अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं, गुड़गांव को ठीक कर रहे हैं, प्रदेश को ठीक कर रहे हैं, हमने चीजें बहुत ठीक की है। इन्होंने इश्यू उठाया हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल हमारा बन रहा है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वहां लोगों को सुविधाएं मिलनी बंद होगी। कोविड के चलते कुछ चीजों में हमें दिक्कत आई, चाहे वो हमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, और चाहे ये गुड़गांव वाला हॉस्पिटल हो, इन सब पे हमारे लगभग लगभग 1000 करोड़ से ऊपर लगने थे, कोविड के चलते आई। अब हॉस्पिटल का काम दोबारा से शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी मुझे लगता है जल्दी फिर शुरू होने वाला है, तो इन चीजों के लिए काम हम कर रहे हैं। परंतु क्या मेडिकल कॉलेज की अवस्था जब हमारी सरकार आई तभी थी? क्या गुड़गांव के यूनिवर्सिटी हो इसकी अवस्था तभी थी जब हमारी सरकार आई? क्या ये हॉस्पिटल अचानक तो खराब नहीं हुआ कि 2014 में आया और अचानक खराब हो गया? इसका मतलब वो जर्जर अवस्था में पहले से था, क्योंकि एक बार मुझे ध्यान है 2012 में माननीय मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री नहीं थे श्री मनोहर लाल जी, मैं उनके साथ था और दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर वहां जो मरीज एडमिट थे उनको फल बांटने गए थे, तब भी हमने उन्होंने अपनी आंखों से जर्जर अवस्था को देखा था, तभी उन्होंने कहा कि नहीं गुड़गांव का हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम निश्चित रूप से बहुत तेजी से चीजें ठीक कर रहे हैं। भाई साहब का मैंने बताया ना कटारिया चौक इनके समय का ही है, अतुल कटारिया चौक, आज 1 महीने बाद देख लेंगे, मैं भाई साहब के पास चाय पीने आऊंगा, दोनों वहां पर घूम के आएंगे। इनके सामने शीतले माता का रोड कंक्रीट का हमने किया, इसके अलावा सेक्टर 4 से लेके राजांगला चौक जाएंगे और दिल्ली में जाएंगे, GMDA ने इतना अच्छा रोड बनाया कि लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ऐसा। अच्छा वैसे तो देखिए आपने बहुत सारी बातें कही कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या 2015 के बाद की थी, जो कि हर जिले में खोलने की घोषणा की गई, विश्वविद्यालयों की जरूरत क्या अभी थी, और दूसरा सवाल मेरा भी, क्या आप ही मानेंगे कि वर्तमान सरकार में सड़कों की गति, हाईवे की गति,
एक्सप्रेसवे की गति आपकी सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, और उसमें फिर किसी भी जिले की बात करें उसमें गुरुग्राम भी शामिल है। ज्योति मैडम, बात यहाँ तुलना की नहीं है, ये थोड़ा भाई उस टाइम पे इतने क्राइम हो रहा था, जो थोड़ा भी आप भी क्राइम करेंगे उस टाइम में इकट्ठे होंगे, क्यों होंगे भाई? जनता तो अब तो प्रेजेंट गवर्नमेंट देखो, जो तुम्हें आप देखो तुलना ही करेगी जनता, प्रेजेंट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा जी। अगर इसमें पिछले 8 साल से आप हो तो आपको रोड, सीवर, पानी, बेसिक एमिनिटी, मैं कोई ज्यादा ये नहीं मांग रहा भाई, आप इतने रोजगार दो, आप इसमें क्या हो गया, आप भ्रष्टाचार की इसमें जितना भी गहराई में जाओ कोई फायदा नहीं, ये इतनी जड़ चली गई है, डीमक डीमक है, आप डीमक की दवाई डालोगे वो 100 फुट तक नीचे चली जाती है, तो वो कभी खत्म नहीं होती है चीजें, ये सामान। तो मेन क्या है, 2 मिनट बोल लूंगा, मेन क्या है जी, हम चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर जैसे प्रॉपर जवाहर जी बता रहे थे बस सिस्टम ठीक है, इन्होंने कह रहे हैं ग्राम में चालू हुई, लेकिन सिटी बस है ना, आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम पे हमने गुड़गांव में चालू करी, अब क्या दिक्कत आ रही है, जो बसेस है ना जी बहुत बड़ी साइज में, इस साइज छोटा होना चाहिए जवाहर जी, क्योंकि आज इतना हमारा ट्रैफिक है यहाँ पे, बड़ी साइज ना तो कट पाती है ना ही प्रॉपर आप वो कर पाते, तो निश्चित रूप से आप ट्रैफिक लाइट सिस्टम गुड़गांव में हमारे टाइम में हमने चालू करी, एलईडी लाइट्स अब लगने लगी, लेकिन एलईडी लाइट 2011-12 से हमारे गुड़गांव के अंदर चालू हुई, हमने प्रॉपर जो लाइट सिस्टम चालू किया था वो इसीलिए किया था भाई प्रॉपर, जैसे रात के 2 बजे आधी लाइट बंद हो जाएंगी, सुबह 5 बजे तक और लाइट बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम था, तो निश्चित रूप से आप शहर को, हमारे को बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक चीजें जब तक नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज गुड़गांव शहर जितना शांत, क्योंकि यहाँ शीतला माता की कृपा है जी, बेशक से हमारी शीतला माता पिछले 7-8 साल से अभी मंड में ही बाहर, अभी उनका मंदिर भी अब थोड़ा वो ठेकेदार साहब जो आए हैं वो कह रहे हैं बोला जी हम फटाफट करेंगे, माँ भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, आज तक हमारा पूरा भवन भी पूरा नहीं हो पा रहा, अली मैंने उनकी वीडियो देखी बड़ी अच्छी लगी, नेचुरल बात है वो अच्छी आवाज है, तो ये सिर्फ शीतला माता का खेड़ा हमारे यहाँ, यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलता है, यहाँ मतलब ही नहीं, आराम से अपने चाहे खड्डों में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर लाइट नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बड़े शांत प्रिय आदमी है, यहाँ टाइम पे बोल लेते हैं उसके बाद नहीं है। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, जवाहर यादव साहब आप इनका कटाक्ष समझे होंगे क्या कह रहे हैं, कि दिक्कत तो बहुत है लेकिन लोग बोलते नहीं है, और समय आने पर बोल भी देंगे, यानी इलेक्शन में जवाब दे देंगे। देखिए ये मानना कि जनता बोलती नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, और ये सोचना होगा, छोड़ना होगा नेताओं को कि जनता बोलती नहीं है, जनता हर रोज बोलती है, शायद हमने अपने कान बंद कर रखे हैं, और अगर इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे तो मैं अब सुखवीर जी को छोड़ता हूं, सुखवीर जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था दीमक, अगर इस सिस्टम में पूरा दीमक जो कांग्रेस में लगी है वो मुझे व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, परंतु शायद हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को दीमक लगा रखी है, पूरा दिन केवल एक झूठ चलाते हैं, मैं तो निकालना चाहता हूं। हुड्डा साहब से आपका प्रेम बहुत है, आप कांग्रेस में केवल हुड्डा साहब पर ही अटैक करते हैं, कटारिया साहब से आपको कोई परेशानी नहीं, इनके लिए तो आप सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलते हैं। उत्तर देता हूं, देखिए हुड्डा साहब कैसे, मैं कहता हूं हुड्डा साहब, एक तो हुड्डा साहब को मैं लगता है कि इनके लिए जो भी कोई एक्टिव दलित है, जो भी कोई वो दलित जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और कांग्रेस में उसको प्रतिनिधित्व देना चाहता है और वो दिखाना चाहता है कि दलित एक्टिव है, वो सोया हुआ नहीं है, तो चाहे वो कुमारी सेलजा रही हो, चाहे अशोक तंवर रही हो, उनकी राजनीतिक हत्या करने में हुड्डा साहब मास्टर है। उदय भांजी भी दलित है, मैं नहीं निकाल के दलित नहीं है, परंतु कितने कांग्रेसी इस बात से सहमत होंगे, आप पूछ लेना, आप सब कांग्रेसी से मिलती रहती हैं, कि पूछ लेना कि उदय भांजी में और हुड्डा साहब में अगर हुड्डा साहब खड़े होंगे, उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष है, क्या तो वो बैठे रह जाएंगे प्रोटोकॉल में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, अगर उदय भांजी बैठे हैं और हुड्डा साहब खड़े हैं तो क्या उदय भांजी कुर्सी पे बैठे रह सकते हैं, ये केवल आप इनसे चुपचाप पूछ लेना, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा उदय भांजी की क्या स्थिति है। मैं दीमक किस लिए कह रहा हूं, सम्मान भी तो हो सकता है, उदय भान कितने 4 बार के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता के, दलित वो भी है, सुनिए, तो ये कैसे हो जाए कि बीजेपी को जो दलित नेता पसंद है उन्हीं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रखे, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को अपमान करने की कांग्रेस के बड़े नेताओं में आदत है, राहुल गांधी ने किया था, एक अदनासा सांसद जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय अध्यादेश फाड़ दिया था, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, डिबेट को वापस नहीं लाना चाहता हूँ, मैं तो भाई का दीमक सब पकड़ा, उसको आगे डिबेट पे आता हूँ, कैसे दीमक लगी हुई है,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कुलदीप जी आपके काम आएगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 5 लाख पेंशनें मनोहर सरकार ने काट दी। इतना बड़ा झूठ। टोटल 1 लाख के आसपास की वो पेंशनें, पेंशनें क्या है, भगवान किसी का पति ना जाए, जो विधवा है अगर वो विधवा हो गई उनको हम पेंशन देते हैं 2500 रुपए मासिक, परंतु अगर उस विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया तो वो विधवा नहीं है परंतु वो पेंशन ले रही है, वो कटनी चाहिए नहीं कटनी चाहिए। हुड्डा साहब के सर में उसके जस्टिफाई करूं, इस पे बड़ा इन्होंने दिमाग की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही जिसको कहते हैं कि इन्होंने एक आय फिक्स कर रखी है, हुड्डा साहब ने वो आय फिक्स की थी। पेंशन वाली बात को लेकर अभी बहुत जगह पर क्या बाराती भी निकाली, बुजुर्गों ने कि अभी हम जिंदा हैं, उनको बताना पड़ा कि अभी हम मरे नहीं है। उसी पे आ रहा हूं, तो कुछ लोग तो होंगे जिनकी गलत करती है, अगर उनकी बात को सही माने। उसका पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लेके आया हूं मैं। 2012 में हुड्डा साहब के समय में ये आया था कि 2000 से ऊपर जिसकी आय होगी वो पेंशन के हकदार नहीं होंगे। आप लोग देखिए, अगर किसी को 2 लाख से ऊपर आय मिलती है, अगर कानून ये कहता है, तो उसमें अगर परिवार पहचान पत्र में अगर ये आ गया कि उनकी आय 3 लाख है 4 लाख है, तो वो पेंशन कटनी चाहिए या नहीं कटनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। ऐसे ही इसमें कुछ लोग ऐसे भी आए जिनकी मृत्यु हो रखी है परंतु उनको पेंशन मिल रही है तो कटनी चाहिए। हाँ, कुछ नाम है, अगर वो गलती से कट गए तो हमने वो वापस लिए हैं। मिस्टेक को मानने में कोई छोटा नहीं। किरकिरी तो हुई थोड़ी, नहीं कोई किरकिरी नहीं हुई, किरकिरी नहीं हुई। जो जिसने ये कहा कि थारा पुप्पा जिंदा है, उसने ये भी तो पूछ लेते कि भैया जो तेरी इतनी बुआएं घूम रही है, जो विधवा नहीं है उनका पुनर्विवाह हो गया, तो उन बुआ को भी लेके जाए, ताकि ये बुआ भी ले रही थी, उसको अपना फुप्पा दिख गया तो अपनी बुआ को भी देख लेता कि ये बुआ हमारी दोबारा से शादी कर चुकी, और भगवान उनके पति को भी, उनके उस फूफा को भी और उनकी बुआ को भी लंबी आयु दे, परंतु बुआ 400 BC करी है ये भी बता देता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार तो देखिए पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, सरकार दे सकती है पेंशन बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से, लेकिन किसी की सही पेंशन ना कटे ये सरकार से उम्मीद की जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कटारिया साहब, ये जो एलिगेशन, पेंशन जी बोले जरूर, पेंशन का सिस्टम है जवाहर जी, आप किसी की बुढ़ापा पेंशन ले लो या विडो पेंशन ले लो या विकलांग पेंशन ले लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है वो। आप कोई भी आप रेशियो देखो, आप रेशियो में देखेंगे मुश्किल से ना सारे महीने के अंदर 2, कभी 10, कभी 15 इतनी बन पाते हैं, क्योंकि उसे कॉम्प्लिकेशन ऐसा कर दिया भाई 15 साल से आप ये लिखवा के आप यहाँ रहते हो जी, वो लिखवा हो गया, वो कंडीशन पूरी होगी, फिर उसके बाद कहेंगे बोले जी आप है ना बिजली का बिल लेके आओ जी। क्या पेंशन को लेकर? हाँ, पेंशन फॉर्म की फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ। सरकार तो कहती है कि 60 साल के अगर आप हो गए हैं, मैं सरकार की तो बात, घर बैठे आपकी पेंशन मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, जो फॉर्म, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। जो फॉर्म भरने जाते हैं ना जी, वो बेचारे अब या उसके नाम बाई चांस उसके ससुर के नाम है वो, तो वो कहेंगे नहीं ससुर की डेथ होगी जी, आपके नाम कहाँ है बिजली का बिल, उसकी पेंशन नहीं बन पा रही। तो जब तक आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड, चलिए अभी वैसे तो जवाहर जी को भी इस पर कोई जवाब देना है, काउंटर करना है, लेकिन मैं डिबेट को आगे ले जाना चाहूंगी। आपको समय दी तब आप काउंटर साथ में कीजिएगा, क्योंकि अभी एक आरोप ये लगा कि हुड्डा साहब, कुलदीप बस्ती सुनिए, आप भी उसी खेमे से माने जाते हैं, हुड्डा साहब पर आरोप ये है जवाहर यादव जी का कि जो दलित नेता है, सक्रिय दलित नेता है, जो बड़े कद के दलित नेता है, वो अच्छे नहीं लगते हुड्डा साहब को कि वो आगे बढ़े। और उदयभान जी को लेकर कहना है कि हुड्डा साहब अगर खड़े हैं तो उदयभान बैठे नहीं रह सकते। देखो मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात पे हम नहीं जाते। अब बेचारे इतने बड़े सीनियर नेता जो बीजेपी को बनाने, वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कोई उसकी सलाम भी नहीं ले रहा, वो चले जा रहे हैं। तो हुड्डा साहब तो हाँ, चलो हम नाम नहीं ले रहे तो मार्गदर्शक है ना। हाँ, उदयभान जी तो प्रदेश इकाई के सबसे बड़े पद पर हैं। देखो कांग्रेस पार्टी है ना, हरियाणा बरादरी की पार्टी है, निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो गरीब है, पिछड़ा है, दबा कुचला, हरिजन है, कोई भी अपने साथी है, उनका जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में हो जाता है। 2016 में जो दिल्ली में हुआ किसान यात्रा के बाद राहुल गांधी जब लौटे, तो आरोप है कि अशोक तंवर पर हमला करवाया गया। कुमारी सैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ी नेता हैं, गांधी परिवार की करीबी मानी जाती हैं, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहने दिया गया। उदयभान को केवल एक डमी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे लाया गया, ये बहुत बार एलिगेशन हुड्डा साहब पर ही लगते हैं। ज्योति जी, आप उसको
ये शब्द मैं तो आपने बोल नहीं, दिया, आपके मैं तो बोल विरोधी, भी नहीं आपके सकता, विरोधी आप नहीं क्योंकि बोल आप सकते। देखो जो पांच चार चार पांच बार बना हुआ है, उनके फादर साहब बने हैं, उनके फादर बने हुए हैं, तीन तीन पीढ़ी में उनके आदमी बन रहे हैं, आप उनको ये शब्द तो बोल ही नहीं सकते आप। वो जो अध्यक्ष बने हैं निश्चित रूप से वो बहुत कैपेबल हैं, और उन पूरी फैमिली बैकग्राउंड उनकी देखो, उनके दादा क्या, उनके फादर क्या, वो खुद क्या हैं बनते हैं। और रही जो जवाहर जी कह रहे हैं बूढ़ा, क्योंकि आज बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है भाई किसी तरह बूढ़ा को देख रहे नहीं। हाँ, फादर साहब तो मैं, कुमारी सेलजा के भी मंत्री रहे ना, हाँ, कोई वहाँ बात नहीं, वहाँ क्या आराम से परेशानी थी अभी, सेलजा जी अभी एचपीसी और की वो कुमारी बनाए, सेलजा खुद भी रही हैं। हाँ आराम से उन्होंने खूब चले, हाँ माननीय रही है, आज भी माननीय है हमारी निश्चित रूप से। हाँ जवाहर यादव जी देखिए, इन्होंने नीचे से टिप्पणी आई और कुलदीप जी ने, उन्होंने कहा कि आडवाणी जी हैं उनको नहीं करते। 8 नवंबर 1927 का आडवाणी जी का जन्म है, आज 94 साल के हैं। आप सीताराम केसरी की क्या स्थिति की थी, उसका बोर्ड हटा के फेंक दिया था, रिकॉर्ड पे मीडिया ने दिखाया था। और हमारे हमने 8 साल पहले तक 2009 का चुनाव माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा, अगर हमारी तब सरकार आती हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस प्रधानमंत्री थे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी। और 94 साल सर, वो तो हमने कहा हमारी सरकार नहीं आई, उसमें क्या है, इसमें तो कोई उपहास का विषय नहीं। दूसरा इस, अरे सर आज मैं कह रहा हूं, आज आप तो सीताराम केसरी का बोर्ड तक उठा के कांग्रेस मुख्यालय से फेंक देते हैं। 94 साल के, 94 साल के व्यक्ति है हमारे, और उनका सम्मान है जो सम्मान है। हर राष्ट्रीय पर्व पर जब ऐसा मौका आता है, देश के प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जाकर माननीय आडवाणी जी का वो लेते हैं। दूसरा अब आते हैं वापिस, वापिस गुरुग्राम इसमें लौटते हैं, गुड़गांव में लेते हैं और हरियाणा की राजनीति पे लौटते हैं कि मेरे आरोप नहीं है, ये तो अशोक तंवर जी ने कहा एज ए प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कहा कि मेरा जो अपमान किया जा रहा है वो एज ए दलित होते हुए किया जा रहा है। आप हमसे बात कीजिए, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा, मैं तो इनके कठिन प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। इन्होंने कहा जी इस सरकार में बहुत स्कूल बंद कर दीजिए, आजकल ये बड़ा चल रहा है, कांग्रेसी विधायक भी मेरे कहते हैं कि इनकी सरकार में बहुत स्कूल बंद हुए, 509 स्कूल बंद हुए हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में। हमारे समय में 100 कुछ स्कूल, एक मिनट सर, मैं एक मिनट, हमारे समय के में कुछ स्कूल किए गए बंद, वो किए गए जहां के स्कूलों के छात्रों की संख्या या तो जीरो थी और या 25 से नीचे थी, 100 कुछ स्कूल हमने बंद किए, बाकी स्कूल को क्या किया गया। कुलदीप जी आपकी सरकार में क्या होता था बता देता हूँ, एक ही स्कूल में 3 स्कूल चलते थे, प्राइमरी अलग, मिडल अलग, सीनियर सेकेंडरी अलग, स्कूल एक है उसमें 3 स्कूल बना रखे हैं, सबके प्रिंसिपल अलग अलग। जब एक कैंपस में एक ही समय में 3 स्कूल चल रहे हैं और सेम समय में चल रहे हैं, सब मॉर्निंग की पारी में ही चल रहे हैं, तो हमने कहा कि जब 3 स्कूल चल रहे हैं, तीनों के लिए अलग अलग ऑफिस है, तो पूरा 12वीं तक के स्कूल प्राइवेट स्कूल सकते हैं, हमारे हरियाणा के और सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उनको मर्ज क्यों नहीं किया जा सकता। तो मैं कहता हूं ये केवल भ्रम फैलाते हैं, इन्होंने पेंशन पे झूठ बोला, इन्होंने स्कूल बंद करने के ऊपर झूठ बोला। तो कुल मिला के जो भाई ने दीमक कहा था, कांग्रेस की दीमक अब कांग्रेस को खाने लगी है, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है, और जब तक हुड्डा साहब से कांग्रेस मुक्त नहीं होगी तब तक कांग्रेस की गति नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा, देखो सुखबीर जी नहीं कहेंगे मैं जानता हूँ, हुड्डा साहब के साथ, हुड्डा साहब के साथ तो विधायक हैं, सभी विधायक हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद हो रहे हैं। सांगवान मैडम जी, यहाँ गुड़गांव के अंदर कॉलेज है बड़ी, देखो हैपनिंग सिटी हमारा गुड़गांव, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जाना, वानन छत नहीं है, वो बेचारे ना बाहर मैट लगा के, बिल्कुल मैट लगा के ना बेचारे क्लासेस लग रही है उनकी, एग्री एग्री मैं सहमत हूँ भाई साहब, हाँ, मैं इसको उत्तर देता हूँ। वो बेचारे ना कोई चीफ गेस्ट बनाते हैं कि जी बोला जी हमारे लिए ना मैट दे दो जी, कोई बोला डेस्क दे दो जी, मैं सेक्टर 9 की बता रहा हूँ, सेक्टर 14 की गर्ल्स स्कूल की बता रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ। तो फिर स्कूलों का तो आप देख लो कितना बुरा हाल है, मैं कॉलेज ही बता रहा हूँ, एडमिशन ओवर क्राउडेड हो गए बेचारे, उनको कुछ ऊपर से सीट बढ़ के आ रही है वो भी नहीं फुलफिल कर पा रही, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिक्कत आ गई तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ आ गए, तो हमारे लोकल बच्चों को बिल्कुल कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा, पोर्टल टाइम पे भाई 6 घंटे के लिए खोला, कई बार नहीं पता लग पाता उसके, तो काफी
जवाहर जी आप बेसिक कांग्रेस चीजें के, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, आप पूरे राज्य के मुद्दों पर भी बोल सकते हैं। अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि समय कम है, विषय कई है, बहुत जल्दी। मैं उन पलों का साक्षी हूँ, मैं उन पलों का साक्षी हूँ जिसमें सुखबीर कटारिया जी भी मेरे साथ थे, और इनके समय में जितने ये सरकारी कॉलेज थे उनकी बिल्डिंगें हमने गिरा दी, और उसके कारण वो सारे बच्चे बाहर बैठने लग गए। एक दिन मैं और सुखबीर जी गए थे, इन्होंने कहा अभी तुम्हारी सरकार सरकारी जो हम बिल्डिंग बना के गए थे उनको गिरा रही है, तो मैंने कहा जी चलो मैं भी देख रहा हूँ। तो इनके समय में जितने कमरे बने होते हमने सारे गिरा दिए, और इसके कारण वो बच्चे बाहर बैठे। भाई साहब कैसे तो 8 साल में तो बन जानी चाहिए, हमने बनाया ना, हमने 8 साल बिल्डिंग गिराई तो 8 साल में बन भी जानी चाहिए थी, बाहर क्यों बैठे बच्चे? 67 कॉलेज पूरे 137 के आसपास कॉलेज है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पूरे हरियाणा में 137 के आसपास सरकारी कॉलेज है, जिसमें से 67 हमारी सरकार में बने, 8 साल में बने, और इसमें से 42 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए बने। और जो कहते ना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कुलदीप जी कहेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, अगर राकेश दुलताबाद कहेंगे तो भी नहीं बनाऊंगा, अगर हमारे क्या नाम है संजय सिंह जी कहेंगे तो भी नहीं बनाऊंगा, मेरा नियम यह है कि जो भी छात्र उत्तर जाए, पूरब जाए, दक्षिण जाए, पश्चिम जाए, उसके 20 किलोमीटर में कॉलेज चाहिए, मैं वो देना चाहता हूं। जहां जहां हरियाणा में ऐसे 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज बनने चाहिए थे, चाहे वहां कांग्रेस का विधायक था, वहां चाहे इंडिपेंडेंट विधायक था, चाहे भाजपा का विधायक था, हमने 67 कॉलेज इसमें दिए, यानी के हमसे पहले का पूरा समय और हमारा समय लगभग लगभग जितने उन्होंने बनाए 45 साल में सर जितने कॉलेज। आपकी आपकी बातों का मूल ये है कि एक तो विकास की रफ्तार बहुत तेज हुई। कुछ नहीं आया जी, आया जी मानेसर आया, नहीं नहीं नहीं, गुड़गांव में हमने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी दी सर, नहीं सर गुड़गांव की बात कर रहा हूं सर, सोना गुड़गांव में नहीं है, नहीं सोना को आप, यही भेदभाव है, इसी मानसिकता को बदलिए। गुड़गांव में सर पटौदी क्या गुड़गांव में नहीं है, मानेसर क्या गुड़गांव में नहीं है, पटौदी में कहां बने, गुड़गांव में नहीं है सर, ऐसे जवाहर जी पटौदी में कहां बने, सोना सोना सर सोना या मानेसर, मानेसर गुड़गांव का तो इतना मानेसर सर, मानेसर सर क्या नाम है सोना, आप गुड़गांव को देखिए आपकी वही आदत है, नेताओं के आसपास देखते हैं, जवाहर जी सुखबीर कटारिया जी गुड़गांव गांव में रहते हैं, तो कॉलेज बनना चाहिए मेरे घर के पास। अरे सर जहाँ मेरा देहात का बच्चा रहता है, जहाँ मेरा दलित का बच्चा रहता है, जहाँ मेरा गरीब का बच्चा रहता है, उन तक भी कुछ विकास पहुँचने। जवाहर जी ने कहा 160 स्कूल कॉलेज बना दिए, 67 तो गुड़गांव जिसे रेवेन्यू मिल रहा है हमारे को 47% हरियाणा। सर आपके घर के आगे नहीं बना सकते, अरे नहीं ये एक कॉलेज बनाया, गाबा जी के घर के आगे नहीं बना सकते, एक 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 राव धर्मपाल जी के घर के आगे नहीं बना सकते, हमें तो जनता के साधारण गरीब दलित यादव जी सुनिए, उनको कॉलेज देने, सुनिए सर सुनिए, मैं बताऊं हमारे जुम्मे एक ही कॉलेज आया 167 में, एक कॉलेज आया, कमाल की बात, आपके जुम्मे मतलब भाई हमारे सर पर 20 किलोमीटर पे कॉलेज चाहिए, आप इसको देखना बंद कीजिए, मेरा और पराई का हर 20 किलोमीटर में कॉलेज चाहिए, अगर हर 20 किलोमीटर में कांग्रेस ही भी रह रहा होगा तो इनके आसपास का 20 किलोमीटर का जो दायरा है वो उसमें नहीं आता क्या? इनके तो आधा किलोमीटर पे कॉलेज है, आप देखो ना, इनके तो आधा किलोमीटर पे कॉलेज है ना, आप देखो, आप पटौदी जटोली जाओ जी, आप इधर अपने ये अपना ये हो गया सर, जाटोली में भी कॉलेज है, सोना में भी कॉलेज है, मानेसर में कॉलेज है, अरे वहाँ नहीं बच्चे नहीं है, अरे सर 20 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 20 किलोमीटर की हर रेंज में कॉलेज ना तो मुझे बताओ, मैं मैडम सारे सारे बच्चे ना सब डाउनटाउन में आ रहे हैं, आप इनकी हालत, यहाँ तो मेट्रो पे बैठे हैं बेचारे, यहाँ कमरे बना दो ना, दूसरे कॉलेज क्यों बना रहे हो यहाँ, 10-20-50 कमरे बन जाए बेचारे रहते हो। एक और बात को जोड़ना चाहूंगी चर्चा में, जवाहर यादव जी भी दावा करते हैं कि समान विकास हम कर रहे हैं, और सीएम साहब का सबसे बड़ा दावा ये है कि पूरे हरियाणा का समान विकास करवाया जा रहा है, जिसमें विपक्ष के विधायक भी अगर हैं तो उनका भी समान विकास हलकों का होता है, 5 करोड़ की राशि हर एक कार्यकाल में दी जाती है, तो क्या इस दावे से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा है पूरे हरियाणा में कहीं भी? कटारिया साहब देखो मैं तो आगे विधायक बन गया तो बता सकता हूँ जी, 5 करोड़ हमने उस टाइम जब मंत्री जब 2.5 करोड़ मिले थे, मेरी शुभकामनाएं पंतु, इन्होंने कह दिया ऐड हमसे लेंगे, वो तो मैं बता ये विधायक भी बनेंगे हाँ, तो ऐड हमसे लेंगे हाँ, देखने के तो, लिए कि हम देते हैं नहीं देते हैं हाँ, तो इसका मतलब भाजपा की सरकार आ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैडम मैं क्या नहीं सकता कि भाई 5 करोड़ मिले विधायक, सीएम साहब ने केवल तीन विधायकों के नाम ही गिनवाए जिन्होंने पैसे मांगे ही नहीं, एस्टिमेट नहीं दिया कि हम काम करवाएंगे, बाकी सभी अपने कार्यकाल के पैसे लिए कुलदीप जी को नहीं मिले तो बताओ जी, तो आप ये मानेंगे कि ये एक अच्छा कल्चर है राजनीति में कि विपक्ष के लोग भी अगर चुने गए हैं तो उनको भी अवसर दिए जाएंगे राजनीति से ऊपर उठकर, आप तारीफ करेंगे? देखो मैं कुलदीप साहब मान रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आए, अच्छी बात, उन्होंने मांगे और मैं बधाई देता हूँ उनको,
उन्होंने वो उन तीन विधायकों में बेचा आपको, ये इनकी मानसिकता वो नहीं थी जो उन तीन विधायकों की मानसिकता थी। तो मैं ये कहता हूं यही भेदभाव बदलना होगा। कल को मान लो कभी हर व्यक्ति को, विधायक को ये लगना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री मेरा और मैं विकास के लिए जाऊंगा तो मुझे मना नहीं करेगा कोई भी सरकार है। और ये आपके सामने मैडम जब मुख्यमंत्री बन गया वो एक पार्टी का नहीं है जी, वो सारी नहीं। हुड्डा साहब भी सोचिए, हुड्डा साहब ने विपक्षी विधायकों को भी ऐसा कोई ट्रेंड चलाया कि हम पैसे देंगे, ग्रांट हम देंगे, टाइम पे भी कोई ऐसा बता दीजिए, उन्होंने कभी कोई मना ही नहीं की। वो तो एक ऐसे उन पर तो आपकी पार्टी के नेता और मंत्री आरोप लगाते रहे, ना ना भिवानी से कभी किरण आरोप लगाती है, जीन सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह आरोप लगाते रहे, यहाँ कैप्टन अजय यादव राव इंद्रजीत सिंह आरोप लगाते रहे, रिश्तेदार हैं वो तो आरोप भी लगाते हैं, गले भी लगाते हैं आपस में। बात ये हर कोई भी सीएम है हमेशा काम करते हैं, बात करने भी चाहिए उनके। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमने गुड़गांव के काम थी, हम तो हमारी चौनी यहाँ खो रही है, हमारी हम तो चौनी यहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी चौनी। आपको देगी भाजपा की सरकार पुणे आके आपको रुपया देगी, आपका हर हक मिलेगा। मैं कोई कह रहा हूँ हमारी चौनी यहाँ गुम, यहाँ रोड सी और पानी की चौनी गुम हो रही है हमारी। हमने हेल्थ में ठीक कर दो अपना, ठीक है हाँ हम दो साल ढूंढे। देखिए इनको निश्चित रहिए, इनके बहुत से ख्वाब हमने पूरे किए, इनके अड़ोस पड़ोस का जितना विकास हुआ वो हमने किया है। अब क्या आता है कि मैं इनको छोड़ के फिर आगे बढ़ता हूँ। ये एक आरोप लगाते कि हर मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु ये बात कुमारी शैलजा को समझ में क्यों नहीं आई? कुमारी शैलजा सेंटर में मंत्री थी, वो एक पास करा के लाई निफ्ट का, फैशन डिजाइनिंग का, आपके लिए बता रहा हूँ, उस समय आप पंचकुला थी। कुलदीप जी आप भी जरा इधर ध्यान दीजिए, आपको सुनाना जरूरी है। कुमारी शैलजा जी एक फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज लेके आई पंचकुला में, बिचारी चिल्लाती रह गई, सर पटकती रह गई, सालों उसने पास कराया, वो नहीं बना जब हमारी सरकार। और ये मेरा नहीं करा, ये कुमारी शैलजा जी ने रिकॉर्ड पे बोला कि हुड्डा साहब मेरा कॉलेज नहीं बन रहे, मनोहर लाल जी की सरकार आई, स्मृति ईरानी जी ने आके उसका शिलान्यास किया, और अब जो मंत्री वर्तमान मंत्री है वो उसका कुछ समय पहले उद्घाटन करते गए। तो ये तो मेरा तो आरोप है ही नहीं, ये तो कुमारी शैलजा जो उस समय मंत्री थी मनमोहन सिंह सरकार में उनका आरोप है। बिल्कुल, देखिए ये आरोप जरूर लगते हैं। और दूसरा, सबसे पुरानी पार्टी है हरियाणा का तो मुख्य विपक्षी दल है। कुलदीप वत्स आप सुनेंगे, आप ये जब तक आप लोग एक नहीं होंगे सर, तब तक आप लोग क्लेम भी कैसे करेंगे कि हम सरकार में आएंगे? हुड्डा साहब की अलग कांग्रेस है, सुरजेवाला साहब अलग चलते हैं, किरण चौधरी अलग से ही कार्यक्रम करती है, कुमारी शैलजा अलग से चलती है, कैप्टन अजय यादव अलग से चलते हैं, कितनी सारी कांग्रेस है, क्या कोई एक हरियाणा कांग्रेस है? हमारी कांग्रेस की छतरी एक बड़ी छतरी है, अब मेहनत कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, ठीक है। एक आदमी के आपके क्या विचार हैं, अगले के उस मुद्दे अलग, पार्टी की तो विचारधारा एक ही होगी ना, एक ही विचारधारा, पार्टी की विचारधारा तो एक होगी। देखिए काम हमारा जो एम है, सिर्फ एक एम है भाई, अब दो साल बाद जब इलेक्शन हो निश्चित रूप से जुड़ेगा, ऐसे काम कर रहे हैं। और आप देखना जो भी, चाहे अपने बेरोजगारी मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, या अपने भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या दूसरे अपने समाज के मुद्दे हो, निश्चित रूप से हर उस फील्ड के अंदर हमारे सब नेता काम कर रहे हैं। और काम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय जब इलेक्शन होंगे तब ओपोजिशन अपने रूलिंग पार्टी को परेशानी क्या हो रही है, वो इस बात की कह रहे हैं अब भाई ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। नेचुरल बात है, प्रजातंत्र में सिरों की गिनती होती है जी। और मुद्दे उठेंगे, जब मुद्दे उठेंगे ठीक है, तो ये परेशान। आप शायद कुछ बहुत जल्दी देखिए, एक लाइन में आपका उत्तर दे सर, मैंने सुन लिया वो उसका। अरे सर उसी का उत्तर दे रहा हूँ सर। इन्होंने, मुझे नहीं पता शायद सुखवीर जी ने या कुलदीप जी ने एक विषय उठाया था किसान का। कुलदीप जी आपके लिए बड़ा अच्छा विषय है, आप उस क्षेत्र से चुनते आते हो जहाँ बहुत ज्यादा किसान है। हम रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ मैं, अरे भाई पकौड़े रोक दो अभी आप, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी। कुलदीप जी या कटारिया साहब बताएं इनके समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी। हमने भावांतर भरपाई योजना शुरू की फलों के लिए, सब्जियों के लिए, अगर वो फल नष्ट हो जाती है तो आज हम 18 से ऊपर फसलों पे भावांतर भरपाई योजना कर रहे हैं, ये कितनों पे करते थे बताएं। इन्होंने किसानों को 6,000 मुआवजा दिया अधिकतम फसल नष्ट होने पर, हम 12 देते हैं ये बताएं, ये 1,000 रुपए की पेंशन देते थे हम 2,500 रुपए की दे रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ किया किसानों, धन्यवाद आपका, इसको रिकॉग्नाइज करने आगे भी सुने।
लेकिन सबसे सबसे लंबा ऐतिहासिक किसान आंदोलन आप लोगों की सरकार में हुआ, कभी नहीं हुआ इतना लंबा आंदोलन। उत्तर भी दे दूं जी। देखिए, मैं अगर इसमें किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो वो है राकेश टिकैत। उसका कारण बताता हूं। राकेश टिकैत अपने पिताजी की, अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बोट क्लब की रैली को ध्यान करेंगे तो जो हमने तीन कृषि कानून में कहा था वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उसमें वो सारी डिमांड की थी। मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, क्या पाप करने वालों की मांगों को सरकार मानती है? आपने तो पहले सेंटेंस में कह दिया कि वो पाप किया, उन्होंने पाप करने वालों की मांगे मान ली थी सरकार। देखिए, किसान आंदोलन उसको कहेंगे जिसमें एक बिचारी बंगाल से आई जो इनके भावनात्मक रूप से जुड़ी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, क्या ये किसान आंदोलन था? एक व्यक्ति जिसको जिंदा टुकड़े कर करके काट दिया जाता, क्या ये किसान आंदोलन था? ऐसे एक घटना और थी जिसमें जिसमें एक व्यक्ति को, इसलिए कि उसकी जाति अलग थी, वो ब्राह्मण जाति का था, कि उसने विरोध किया। अरे तू ब्राह्मण, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अरे तू ब्राह्मण होते हुए किसानों का विरोध कर रहा है, तू है ही ब्राह्मण, उसको जिंदा जला दिया गया। तो इसको अगर आप किसान आंदोलन कहेंगे या जो किसान आंदोलन कहते हैं वो सोचे, तो मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। यादव सब मांगे मांगे ये एक षड्यंत्र था, ये एक षड्यंत्र था, देश को षड्यंत्र से बचाने के लिए हमने ये वापस ली। अब जो एमएसपी की बात आ रही है जवाहर जी, आज भी जब आंदोलन विड्रॉ हुआ तो ये कहा गया था एक कमेटी बनाई जाएगी, वो एमएसपी दी जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आज तक भी मेरे ख्याल में, अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर आप देखो जो सरसों की खरीद, सरसों की उन्होंने कहा भाई आपके पास 10 एकड़ है, हम 3 एकड़ पे सरसों खरीद करेंगे, उसके बाद नहीं खरीद कर पाएंगे। तो मेन क्या है, जब तक एमएसपी किसानों को नहीं मिल पाए, ये बहुत बड़ा विषय है और निश्चित रूप से आप इस पे बात करेंगे तो नेचुरल बात है किसान आंदोलन कोई वैसे तो नहीं हुआ। अच्छा यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कितने बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे साथ ही कई आदमी कहते थे भी, बोले यार वो किसान नहीं है, वो तो कोई और आदमी बैठे हैं। मैं बोला भाई जा डे टाइम पे आप बैठ के दिखा दे, मैं आपको पर डे के 20,000 रुपए दूंगा, आप 20 दिन रुक जाइए वहाँ पे। आप है ना, ये नहीं कह सकते कि भाई आप वो बेचारे किसान नहीं थे, वो तो असामाजिक तत्व, ना ऐसी कोई बात नहीं बेचारे। यादव साहब, आपने आपने पिछले जवाब में जाति का जिक्र भी किया, आपके विरोधी आरोप ही लगाते हैं कि हरियाणा में विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं और देश में जहां मौका मिलता है वहां धर्म को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। मैंने कहीं धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, भाई साहब ने सरसों का इस्तेमाल किया तो सरसों पे बात कर लेते हैं। ये कहते हैं हमने सरसों कम खरीदी, 10 साल में हुड्डा साहब के समय में 7,68,00,000 मीट्रिक टन सरसों खरीदी गई। एक सेकंड, मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपने एक टारगेट फिक्स कर दिया, वही कर रहा हूँ। अब पोर्टल पे बोले यार वो खरीदोगे आप, बस मैं इसका उत्तर कैसे उत्तर पोर्टल चला किसान चलाना उत्तर देता हूँ सर। ये हमने इन्होंने सरसों ज्यादा खरीदी तो इन्होंने ज्यादा खरीद कर खरीदी 7,68,000 मीट्रिक टन और हमने खरीदी 16,70,000 मीट्रिक टन, यानी कि 117% ज्यादा। जब ये सबकी खरीदते थे तब तो ये कम होती थी और हम लिमिटेशन में खरीदते, हमारा जाते तो इस आंकड़े को समझ सकते हैं। अब दूसरा इन्होंने एक लास्ट टोटल अनाज की बात करता हूँ। प्रदेश में सर 13-14 में हुड्डा साहब की सरकार में 153,00,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया, हमने 184,00,000 मीट्रिक टन खरीदा। तो सर, और दूसरा मैंने लास्ट का आपने कहा हरियाणा में, आपने कहा जाति की बात की और आपने धर्म की, नहीं मैं इनको जवाब दे दूं, आपके साथ तो मैंने चाय पीनी है, अंतिम जवाब है, आपके साथ चाय पीनी, इसलिए आप रुके हो ना, एक मिनट सर, अंतिम जवाब, समय बहुत हुआ, अंतिम जवाब मैडम, जो सरसों की है ना, सरसों आप 4 एकड़ से फालतू है ना, जिसके पास है उसके खरीद ही नहीं। मैं अब आगे समय नहीं है, बिल्कुल लास्ट 10 सेकंड्स। आपने आपने कहा कि आपने जात पात का, विपक्ष हम पे आरोप लगाता है कि हम जात पात की राजनीति करते हैं, ऐसा विपक्ष हम पे आरोप लगाता है, बिल्कुल। अब अगर किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी वंचित को, जो जातियां आज तक मुख्य धारा में नहीं आ गई थी, अगर वो मुख्य धारा में आ गई, अगर कोई दलित आज मुख्य धारा में आ गया, कोई यादव आ गया, कोई कुमार आ गया, कोई लुहार आ गया, कोई पंडित जी आ गए, आज 3 MP तो एक पहले से हरियाणा के पंडित ही थे सर, बोलने दो, ये 3 सांसद आज तक हरियाणा के इतिहास में ब्राह्मण बने हो, ये हमें ब्राह्मण वाले लोग चिल्लाते हैं, एक वो नवीन जैन बेरोजगार आदमी है वो चिल्लाते, 3 सांसद आज से पहले हरियाणा के सांसद बने हो इतिहास में,
जब से हरियाणा बना 1966 से लेके आज तक, हमने उन सबको अवसर दिया, और अवसर हमने नहीं दिया, हमने लठेत की डंडा छीन लिया और समान स्वाभाविक रूप से हरियाणा का सबसे पहले सीएम कौन था? पंडित दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद उनको हटाने के लिए क्या क्या साजिशें हुई बताओ जी? पंडित जी बीजेपी ने बढ़ा दिया, इनके साजिशें क्या हुई? किन लोगों को वो स्वीकार, तो खत्म हो गया ना? नहीं, अभी बहुत शुक्रिया आपका। किन लोगों को स्वीकार नहीं था वो बता देंगे कुलदीप जी। धन्यवाद जवाहर यादव जी, बहुत शुक्रिया। अपने गुड़गांव शहर है, सपनों का शहर है, हुड्डा साहब ने सर हकीकत का शहर है, और सपनों का शहर बनाओगे तब तक पूरे नहीं होंगे। हम हकीकत का शहर बनाया, बहुत शुक्रिया। उत्तरांचल, यूपी, बिहार, हर आदमी है उनका योगदान। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ने वक्त दिया और बहुत विस्तार से जवाब दिए तमाम सवालों के, हमने जवाब लिए। गुरुग्राम की बात हुई, सरकार के कामकाज की बात हुई, विपक्ष की बात भी हुई है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।